मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोशनेवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, SD गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर, राजस्थान। नमस्कार। आज के इस संवाद कौशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। संवाद शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब संवाद होता कैसे है? अब देखिए कि सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ तब से संवाद हो रहा है। जहाँ दो या दो से अधिक मानव होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई कन्वर्सेशन होगा, और जब उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन होगा, एक अपनी बात कहेगा तो दूसरा उसकी बात को सुनेगा। तो यही जो बातचीत का सिलसिला है, यही संवाद है। तो इस संवाद को किया कैसे जाए? तो इस संवाद को अपनी बात को कहना, और इस तरीके से अपनी बात को कहना कि सामने वाला पर्सन जिसको कि अपन अपनी बात कहना चाहते हैं वो अपनी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अपना परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, अपने समाज का कोई मेंबर हो सकता है, अपने ऑफिस का कोई स्टाफ मेंबर्स हो सकता है, अपना बॉस हो सकता है, अपना सबॉर्डिनेट हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के कहीं भी किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में अपन चले जाए, वहाँ पे संवाद होता है। तो उस संवाद को करने के लिए अपन अपने मुंह से कुछ शब्द बोलते हैं। तो वो शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों की भाषा क्या हो? तो क्या अपन केवल भाषा का संवाद करते हैं, केवल भाषा को कम्युनिकेट करता है? जी नहीं, अपन केवल पेन का उपयोग नहीं करते हैं, केवल वर्बल अपन बोलते नहीं हैं, अपन उसके साथ में अपने हाथों के एक्शंस देते हैं, कुछ साइंस देते हैं, मतलब कुल मिला के अपन अपनी कुछ बॉडी लैंग्वेज भी साथ में देते हैं। और अपन जिस व्यक्ति को अपना मैसेज दे रहे हैं तो वो व्यक्ति उसको, वो कौन है, हमें उसको क्या मैसेज देना है, सबसे पहले अपने आप को अपना उद्देश्य तय करना होगा कि हमें उसको कहना क्या है। और जिस समय ये जो प्रथम स्टेप है कि अपन अपनी इस स्टेज को समझ जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको कहना क्या है, इसका मतलब समझो कि हमने वहां पर हमने सफलता की प्रथम सीढ़ी चढ़ ली है। तो जब हमने प्रथम सीढ़ी चढ़ ली है तो अब अपना उद्देश्य तय हो गया। अब ये डिसाइड करना है कि अपनी भाषा क्या हो, उसको किस समय पर वो मैसेज देना है, वो जो मैसेज है वो किस रूप में देना है, क्या उसे मौखिक रूप से संदेश देना है, क्या उसे रिटर्न में संदेश देना है, क्या उसे किसी भी नेटवर्किंग के माध्यम से देना है, क्या उसे अपना कोई साइन बताना है, अपना कोई बॉडी एक्सप्रेशन, अपना आई एक्सप्रेशन या कोई इस तरह के एक्सप्रेशंस बताना है कि जिससे वो अपनी बात को समझ जाए। तो ये सब पहले डिसाइड करना होगा। अब उसके बाद में डिसाइड होता है कि ये सब हो गया कि अब अपने को कहना क्या है। और जब वो अपन ने अपनी लैंग्वेज डिसाइड कर ले तो वो लैंग्वेज डिसाइड करने के बाद में उसके ऊपर बोलना शुरू करेंगे। अब बोलना कैसे है, कितना क्या लाउड बोलना है, बहुत धीरे बोलना है, तो ये अपने को डिसाइड करना है। क्या अपने सामने बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी है? तो जब बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी है तो अपने को अपनी आवाज को लाउड रखना होगा। अपने अभी इलेक्शंस हुए और हर बार अपन इलेक्शंस देखते हैं, बहुत सारी धार्मिक सभाएं देखते हैं, सामाजिक सभाएं देखते हैं कि उसमें सामने जो वक्ता खड़ा है वो अपनी आवाज को बहुत लाउड रखता है। क्यों वो लाउड क्यों रखता है? कि उसके सामने बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी है और उसको अपनी बात को सुनाना है, तो इसलिए अपने को लाउड आवाज रखनी होगी। पर जब अपन दो व्यक्ति हैं, अपन आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, तो उस समय अपनी आवाज को थोड़ा सा धीरे रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को दूसरों को नहीं सुनाना है, केवल उस पर्सन विशेष को सुनाना है। तो जब अपन ने उस पर्सन विशेष को सुनाना है तो अपने को अपनी आवाज धीरे रखनी। अब है कि अपनी बातचीत क्या है, क्या अपन बहुत गोपनीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो अपनी आवाज बिल्कुल धीरा होनी चाहिए। कोई अपने कोई भी जो मैनेजर है वो अपने सहयोगी के साथ में कोई आगामी स्ट्रेटजी पर बातचीत कर रहा है, तो वो स्ट्रेटजी के आसपास वाला सुन नहीं ले, कोई कंपटीटर नहीं सुन ले, तो वो उससे ये बातचीत यदि किसी होटल के कमरे में बैठ करके कर रहा है तब तो ठीक है।
परंतु जहाँ वो उसके डाइनिंग हॉल पे या रिसेप्शन में बैठ कर के यदि ये बात कर रहा है तो ये उसका सही स्थान नहीं है, क्योंकि ये सही स्थान कैसे हो सकता है यदि किसी उसके कंपटीटर ने ये बात सुन ली तो उसकी तो सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी खत्म हो गई। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपना प्लेस क्या हो, अपने वॉइस क्या हो, अपने को वर्बल देना है या नॉन वर्बल देना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब ध्यान रख कर के जब अपन अपनी बात सामने वाले को कहते हैं तो क्या केवल अपन अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं? जी नहीं, अपन उसकी अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपन वो चाहते हैं कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो उस मीनिंग को समझे, जिस रूप में अपन अपना बात कह रहे हैं वो उसी रूप में अपनी बात को समझे और अपना काम शुरू कर दे। अब कि वो मीनिंग तो उसने समझ लिया, पर उस मीनिंग के साथ में अपनी कुछ वैल्यूज जुड़ी हुई रहती है कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। जैसे कोई भी अभी कोई भी सेल्समैन है तो वो अपनी बिक्री तो बढ़ाना चाहता है, परंतु वो साथ में जाता है कि लाभ हो उसको, परंतु साथ में उसकी गुडविल भी बनी रहे और जो कस्टमर्स है उनको सर्विस भी अच्छी मिले, आफ्टर सेल सर्विसेज मिले और साथ में उसकी सेल्समैनशिप बहुत अच्छी हो। तो दो प्रकार के सेल्समैन हो सकते हैं। एक सेल्समैन है कि जो वन टाइम बहुत अच्छी सेलिंग कर सकता है, परंतु दूसरा सेल्समैन है वो वन टाइम उसकी सेलिंग कम होगी, परंतु उसने जिन जिन कस्टमर से बात करी है वो कस्टमर्स उसके पास में दोबारा आएंगे और दोबारा आएंगे, मतलब वो उस उन्होंने उसकी सेल्समैनशिप उसके दिमाग में छा गई है, और जब उसके दिमाग में उतर गई है वो सेल्समैनशिप तो इसका मतलब है कि वो आएंगे आकर के उससे सामान खरीदेंगे। तो आप देखिए दोनों में से कौन सा सेल्समैन ज्यादा अच्छा रहा, पहले वाला जिसने वन टाइम सेलिंग करी या दूसरा वाला जिसने की होल लाइफ उसको अपना बना लिया कस्टमर को। और आप देखिए वो कस्टमर केवल वो कस्टमर अपना नहीं बनता है, बल्कि एक मानव स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ में कोई भी अच्छा होता है या कोई भी बुरा होता है, वो अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को उसके बारे में अवश्य बताता है। आप देखिए कि यदि उसने बताया जाकर के कि मैंने जाकर के बोल दिया था कि मेरे को अभी कुछ नहीं खरीदना है, केवल मैं देखने के लिए आई हूँ, और उसने कहा कि नहीं मैडम आप देखिए, आप बहुत आराम से देखिए, और वो मेरे सामने सामान फैलाता गया, और जब ये बात हुई तो इसका मतलब है कि मैंने सोचा कि अब जब मैं ये सामान खरीदूंगी मैं इसी सेल्समैन से खरीदूंगी, पर मैं दूसरी शॉप पर गई और उसने मेरे को कहा, मैंने दो सामान पर रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो इतने तल्ख आवाज में बोला, तो मेरे को सामान खरीदना था पर मैंने नहीं खरीदा और मैं लौट करके आ गई। तो हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसे छोटा सामान खरीदना है उसे बड़ा सामान खरीदना है, पर हर व्यक्ति अपना आत्मसम्मान चाहता है। तो आप ध्यान रखिए जब भी किसी को कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो उसके साथ में उसका सेल्फ ईगो बनाए हुए रखिए, वो और जो सामने वाला कस्टमर है चाहे वो बच्चा है चाहे बुजुर्ग है चाहे कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, आप अपने संयम के साथ में उसके उससे व्यवहार करिए और उसके साथ में उसी उम्र के अनुसार उससे बात करिए, तो वो अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो देखिए अपन ने देखा कि जब दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में कोई भी बातचीत होती है तो ये बातचीत है संवाद, और जब इसमें अपन कुशलता का पुट डाल देते हैं कि उस संवाद को अपन अट्रैक्टिव बना देते हैं, तो ये अट्रैक्टिव बनाना ही संवाद कुशलता है कि अपन ने परिस्थितियों को समझा और उन परिस्थितियों के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अब अपना इसमें काम क्या है, बोलना है, लिखना है, एक्शंस करना है या कोई भी अपना इससे इशारा करना है, किसी भी प्रकार का साइन देना है, और जब अपन ने ये सब कर लिया मतलब अपन ने अपना काम पूरा कर दिया है। आप देखिए इसका प्रभाव अपने उस जिसको जो रिसीवर है यानी कि जो कि अपना व्यक्ति अपना मैसेज प्राप्त कर रहा है उसके ऊपर लॉन्ग लाइफ इफेक्ट डालेगा और वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा।
अब आप देखिए कि दो दोस्त हैं, अब दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब उनकी आज इच्छा थी, एक दोस्त की इच्छा हुई कि आज मूवी देखने को चलते हैं। तो बहुत सामान्य सी इच्छा है, कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि अरे क्या तुम आज मूवी देखने को चलोगे? पर जिस समय उसने उस दोस्त को कहा तो वो, अरे यार मैं मूवी देखने आज नहीं चल सकता। तो उसने कहा, अरे तुम तो हमेशा मूवी के लिए तैयार रहते हो, आज ऐसा कैसे हो गया? तो चूंकि उसने मूवी के लिए मना कर दिया, और उसने बल्कि और ये बोला कि अरे तुमको तो दिन भर मूवी मूवी देखना लगता है, ये कोई टाइम है मूवी देखने का? ये बात उसने क्यों कही? क्योंकि उसने ये नहीं देखा, उसने उसके दोस्त ने, कि उसने जब उस अपने दोस्त को ये बात कही है मूवी देखने को जाना, उस समय उसकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी, उसके घर पे उसके पेरेंट्स की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो बीमार थे, तो उस समय उसको मूवी देखने की बात सुनना अच्छा नहीं लगा, और जबकि ये बात उसके दोस्त को मालूम थी। तो क्या उस समय ये बात बोलना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। पर यूं ही सामान्य समय में, जैसे किसी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट दोस्तों का बहुत अच्छा है, उस समय वो बोलता है कि चलो अपन पिकनिक पर चलते हैं, अपन मूवी भी देखेंगे, एक दिन कहीं घूम करके आएंगे, तो वो एकदम से तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने उसकी मनोस्थिति को देखा और उसकी उस मानसिक स्थिति को देख करके अपनी बात कही। तो दोनों सहन स्थिति में थे, दोनों ने एक दूसरे की स्थिति को देखा और अपनी बात कही, तो इसका रिजल्ट हुआ कि वो उसके जो उसका भाव था, उस भाव के साथ में वो सहमत हो गया, और सहमत होकर के उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सम्मति और ये जो भाव है, ये अपन देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। महाभारत तो आपने सबने देखी है, अपने टीवी सीरियल्स भी देखे हैं और खूब कहानियां सुनी है महाभारत के बारे में। तो आपको महाभारत का युद्ध भी स्मरण हो रहा होगा। तो महाभारत का जो युद्ध है वो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। तो आप देखिए कि महाभारत के युद्ध में दो पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार है पांडव और दूसरे पक्षकार है कौरव। तो दोनों पक्षकार जब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं सज जाती हैं, उस समय आप देखिए कि क्या होता है। और गिर पिसे गए और उसके बादल चारों ओर से मान करके सारे भरतवंच का अपमान किया है। किंतु है तो वो ज्येष्ठ पिता सिंह का ज्येष्ठ पुत्र है ना, ये तो बड़े खेद की बात है। भूमि के टुकड़े के लिए हम लोग कोई लाशक बनने को तैयार हो गए? हे शांति देव, यदि सब कुछ खोकर भी मुझे शांति मिले और मैं कुल के लाश के पाप से बच जाऊं, तो ये शांति बहुत सस्ती है केशव, ये शांति बहुत सस्ती है। तो देखिए आपने संवाद कुशलता भगवान श्री कृष्ण की, क्या संवाद कुशलता है कि जो अर्जुन विराट युद्ध में अकेले जिसने कौरवों की सेना को हरा दिया था, वो अर्जुन अपने हथियार उसके हाथ से गिर जाते हैं, वो हताश होकर नीचे बैठ जाता है, और कृष्ण भगवान ने जब उसकी इस मनोस्थिति को देखा तो उन्होंने उसकी मनोस्थिति देखी और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्होंने दिया अर्जुन को गीता का ज्ञान। और किस समय दिया गीता का ज्ञान? जब दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी है युद्ध के लिए, उस समय ऐसा गीता का ज्ञान दिया कि वो गीता का ज्ञान अर्जुन के ऊपर एकदम से असर हुआ। और असर क्या हुआ कि वो अपने हथियार लेकर के उठ खड़ा हुआ और युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तो ये उन्होंने उसे उसके दिमाग को देखा, उसके हृदय की स्थिति को देखा, और साथ में उसको इतना तैयार किया कि वो और ऐसा संवाद कुशलता गीता के ज्ञान के रूप में दी कि वो आज भी हजारों सालों के बाद में हम आज भी उसको प्रमाण के रूप में हर स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये है श्री कृष्ण की संवाद कुशलता कि जिसने महाभारत युद्ध का सिनेरियो ही बदल दिया। आज अर्जुन नहीं लड़ता तो क्या होता? देखिए आप कि अर्जुन कैसे उठ खड़ा होता है। यह है, आप साथ में इसके ऊपर भी नजर रखिए कि ये बॉडी लैंग्वेज को भी शो कर रहा है
कि कृष्ण भगवान ने जब देखा तो वो विस्मय में आ गए कि अर्जुन कर क्या रहा है ये। परंतु जो ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो आप देखिए उनके हाथ इस तरह से थे और वो पूरी कर्मठता के साथ में बोल रहे थे कि वो सामने वाले व्यक्ति में ओजस्विता पैदा कर रहा था और इतनी ओजस्विता उन्होंने पैदा करी कि अर्जुन उठ खड़ा हुआ, उसने अस्त्र उठा लिए और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इसमें आप देखिए कि ये लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखिए वो जो नर्वस हुआ अर्जुन, उसके उसका चित्र देखिए, और ये जो हथियार में हथियार उठाए हुए हाथ में है, और क्या वो चल रहा है, क्या दोनों में कोई फर्क है? जी हाँ, ये फर्क है। और ये फर्क किसका फर्क है? केवल और केवल संवाद कुशलता का फर्क है। और ये संवाद कुशलता है कि हमने किस समय करी, कैसे करी, किन शब्दों में करी, किन हाव भावों के साथ में करी और किन रूप में करी, और हमको उसमें कितना समय लेना था, वो सब बातों का ध्यान में रख करके करी। तो श्री कृष्ण की, कृष्ण भगवान मतलब हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में उनका जैसा गुड कम्युनिकेटर कोई हो ही नहीं सकता है, जो सालों बाद में भी आज भी याद किए जाते रहे हैं। तो ये है संवाद कुशलता। तो आप देखिए कि हम भी इससे सीखें, केवल हम गीता नहीं पढ़ें बल्कि उस गीता को पढ़ने के उसके भावों को ग्रहण करें कि उस गीता में ऐसा क्या कहा गया है कि उन्होंने अर्जुन को चेंज कर दिया, और उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या बातें बोली, उनकी वो सब बातें यदि हम देखें तो हमें संवाद कुशलता स्वतः ही आ जाएगी। तो ये जो संवाद कुशलता है, आपने देखा कि ये जीवन रक्त है। ये जिस तरह से शरीर में जब तक अपने धमनियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है तब तक अपना शरीर चल रहा है, जिस समय ये रक्त समाप्त हो जाएगा उस समय अपना शरीर भी निडाल हो जाएगा। तो उसी तरह से जब तक हमारे जीवन में संवाद है हम जीवित हैं। जिस दिन संवाद खत्म हो जाएगा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। संवाद एक मिरेकल है, जादू है, करिश्मा है। तो आइए इस करिश्मे के साथ में हम जिए, इस करिश्मे को अपने जीवन में उतारें और सीखें कि किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।